श्रीमती कहकशा परवीन। शुक्रिया उपसभापति महोदय। मैं आपका और अपनी पार्टी के नेताओं का मैं शुक्रिया अदा करती हूं कि मुझे इस विषय पर चर्चा करने का मौका दिया। जब पिछले सत्र में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव माननीय मंत्री जी पेश कर रहे थे तो इन्होंने बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया था, और जब विपक्ष के नेता जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपनी बातें रखी थीं तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि आने वाले सत्र में आप स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर चर्चा करा लीजिए, और सरकार ने इस पर चर्चा कराई, इसके लिए मैं सरकार का शुक्रिया अदा करती हूँ। आज जो हम चर्चा के लिए बैठे हैं वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की बात करने के लिए और उसको कैसे सुदृढ़ किया जाए इसके लिए हम बैठे हैं। किसी भी राज्य एवं राष्ट्र का विकास वहाँ की स्वास्थ्य एवं शिक्षा के पर निर्भर करता है। जब स्वास्थ्य की बात होती है और जब हमारी नज़र उस तरफ जाती है कि स्वास्थ्य का लाभ लेने के लिए गरीब, महिला, बच्चे, बूढ़े जब लाइन पे लगे रहते हैं अस्पतालों में और अपनी पारी का इंतज़ार करते हैं, तब ये एहसास होता है कि स्वास्थ्य का लाभ, जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ लेने के लिए किस तरह से लोग परेशान हैं। सरकार जितनी भी योजनाएं बनाती हैं वो गरीबों के हित के लिए बनाती हैं, गरीबों को इसका फायदा मिले इसके लिए बनाती हैं। पूर्व के वक्ताओं ने जो बात रखी मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहती, लेकिन एम्स के विषय पे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। एम्स स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना एक मुकाम रखता है। सारे जगह के लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं, लेकिन भारी डॉक्टरों की कमी के वजह से, मैन पावर की कमी के वजह से जो लोग स्वास्थ्य का लाभ यहाँ गरीब गुरबा औरत बच्चे लेने आते हैं वो काफ़ी देरी के वजह से वो निजी अस्पतालों में जाकर अपनी ज़मीन बेचकर कर्ज लेकर इलाज कराते हैं। इसमें सुधार की आवश्यकता है। माननीय महोदय, एम्स में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराइए और इलाज कराइए। मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात कहते हैं, अच्छी बात है, नई सोच के साथ चलना चाहिए, लेकिन 70% लोग गाँव के रहने वाले हैं जिनको अपने से मोबाइल पर नंबर लगाना नहीं आता, जिनको अपने खाता बैंक में खुलवाने के लिए फॉर्म भरना नहीं आता, जो अपने अन्य कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। इसमें सुधार की आवश्यकता है, इसलिए कि जो लोग वहाँ से आते हैं, गांव से चलकर आते हैं, वो एम्स का नाम सुनकर आते हैं और जब यहाँ उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है या काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है तो वो उससे निजात पाने के लिए अपनी ज़मीन को भी बेच करके अपना इलाज कराते हैं। सरकार योजना बनाती हैं गरीबों के लिए। मैं आपने इस बार के बजट में जो प्रावधान रखा है वो अगले बार से आपने बढ़ा कर रखा है। 15-16 में आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में 34,957 करोड़ रुपए रखा था, इस वक्त आपने 39,533 करोड़ रखा है, ये अच्छी बात है। मैं सरकार से ये जानना चाहती हूँ कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में
जीडीपी के 2.5% का लक्ष्य रखा गया था। आपने कहा हम इसमें बढ़ोतरी करेंगे, आपने बढ़ोतरी की बात कही और आपने बढ़ोतरी 0.25% ही की। आप बताएं कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करेंगे और स्वास्थ्य में सुधार की बात आप जो कह रहे हैं ये कैसे लाएंगे। संसदीय समिति की रिपोर्ट में भी ग्रामीण सेवा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर के लिए केंद्र सरकार फंड के आवंटन उचित तरीके से नहीं करती की बात कही गई है। साथ ही समिति के अनुसार मंत्रालय के आवंटित बजट और प्रस्तावित बजट में काफ़ी अंतर की बात कही गई है। मान्यवर, आप अपने जवाब में इसका जवाब हम चाहेंगे कि आप सदन को दें। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के मद में आवंटन बढ़ाया गया, अच्छी बात है, लेकिन भारत सरकार के सीएजी की रिपोर्ट ने कहा है कि 2014 और 15 में जो राशि एम्स जैसे संस्थानों को दी गई थी और ऐसे इंस्टीट्यूट को दी गई थी उसकी 70% राशि का उपयोग भी नहीं हो पाया। आखिर क्या कारण है? बहुत दिनों से बात चली आ रही है कि जन औषधि की दवा की बात करते हैं कि गरीब लोगों की इलाज सस्ते में हो। आज जो महंगी दवाइयां मिल रही हैं, बहुत सारे लोग इलाज नहीं करा पाते और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। 2008 में जन औषधि स्टोर की खोलने की विचार किया गया था और उस वक्त उसकी संख्या 164 और आज के डेट में जन औषधि ऑफिशियली वेबसाइट के अनुसार 87 स्टोर ही कार्य कर पा रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, आपने इस साल के बजट में ये कहा है कि हम 3000 जन औषधि स्टोर खोलेंगे, बहुत अच्छी बात है। यानी 543 जो सीटें हैं लोकसभा की, हर सीट के अगर ये किया जाए तो 5 हिस्से में आएगी, अच्छी बात है। जब 5 हर हिस्से में आ जाएगी तो बहुत सारी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी और गरीबों को उनको सस्ती दवाइयां मिलेगी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जब 2008 में 164 दुकानें नहीं चल पा रही हैं तो आप 3000 स्टोर की मॉनिटरिंग कैसे करेंगे और इसका लाभ लोगों तक कैसे मिलेगा? मैं इस पर सरकार का से जवाब चाहूंगी। माने सदस्य वर्मा साहब ने जो बात रखी कि महंगी दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं, आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि कितने डॉक्टर जन औषधि लिखते हैं, वो प्रिस्क्राइब ही नहीं करते और अगर प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो दवाएं मिलती नहीं हैं। इसलिए आप माननीय मंत्री महोदय इस तरफ भी ध्यान देंगे ताकि आप गरीबों की बात कर रहे हैं और चूंकि अमीर आदमी अपनी इलाज अन्य जगह करा लेते हैं पैसे के बल पर, लेकिन गरीब आदमी अगर आश्रित रहता है वो सरकारी योजनाओं पर रहता है। आपने राजनीति 2015 का जो प्रारूप बनाया है और उसमें जो सिस्टम आपने किया है वो PPP मॉडल पर आपने किया है। आप जो जांच है, CT स्कैन जैसी जांच है या MRI जैसी जांच है, उसके लिए आप PPP पे एम्स जैसे अस्पतालों में भी लोग जाते हैं, वहाँ भी जांच होती है, लेकिन लंबी कतारों में मरीज लगना नहीं चाहता है और वो बाहर के उसको सलाह दी जाती है या फिर वो खुद अपनी स्वेच्छा से बाहर चला जाता है। तो मान्य अभी 2 मिनट है आपके पास। नहीं नहीं, 2 मिनट की बात आप कर रहे हैं, सुबह में आप मेरे से झगड़ा मत करिए, बात कर रहे थे दहेज प्रथा की रोकने की बात कर रहे थे, अब महिला अपनी आवाज रख रही है तो आप घंटी बजा रहे हैं। नहीं नहीं, इस तरह से नहीं, जो तय है उसको जी आनंद जी,
एक आप तो जानते हैं कि मुझे यहाँ पर जो समय लिखा गया है उसी चार घंटे का समय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने रखा है। चार घंटे उधर बात करिए अंदर, ये सदन कर सकता है, चार घंटे तो उसका लिए अलॉट हुआ है। आप बात करिए ना, राजनीतिक दल है नहीं सदन के अंदर, मुझे अच्छा बोल रही हैं ये। कभी जब हाउस ठीक चल रहा होता है, कोई सदस्य अच्छा योगदान करे उसका सम्मान से, मेरा डिस्क्रिप्शन नहीं है। आनंद जी महोदय, आप तो सीनियर लीडर, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, आधे तो दल है नहीं, मैं रोक नहीं रहा, त्यागी बोलने, मेरे पास जो समय दिया गया है उसी का अनुशीलन करना है मुझे, उसके अलावा मैं कुछ कर सकता नहीं। आनंद शर्मा जी आप अंदर बात करिए, आनंद शर्मा जी से क्यों बात कर रहे हैं आप, आनंद शर्मा जी बात करें ना जा करके जी, नहीं यहाँ नहीं होगा, यहाँ किस जी वो तो मालूम मुझे, ठीक है ना। मैंने कहा है कि आप जारी रखिए और उसको आपके निर्धारित समय से पूरा कीजिए, मैं रोक नहीं रहा जी। त्यागी जी आप मालूम मुझे, तो उसमें जितना समय दिया गया है उनको 11 मिनट दिया गया है, मैं 11 मिनट के लिए उनको रोक नहीं रहा, और वो महिला भी है, मैं 2 मिनट और दे दूंगा उसके लिए, पर मेरा डिस्क्रिप्शन नहीं है। आप किसी सदस्य को 10 मिनट वक्त देते हैं और महिला को, मैं तो सबको रोक रहा हूँ, मैं तो सबको ही समय के लिए समय के साथ रोक रहा हूँ, यदि आप ना रुकेंगे तो हाउस चलाना मुश्किल होगा। आप चलिए चलिए, पीपी की बात कर रहे हैं, आप अपने समय में से दे दीजिए ना कोई तो जी, मैं जी शुरू कर, मैं आप बहुत अच्छा बोल रही है, जारी रखिए कि क्या सरकार स्वास्थ्य विभाग को या स्वास्थ्य के क्षेत्र को निजीकरण करने जा रही है क्या, चूंकि जो स्वास्थ्य का लाभ जो गरीब लोग ले रहे हैं अगर पीपीपी मॉडल के तहत उनको दे दिया जाएगा निजी कंपनियों के हाथ में, तो इससे आम जनता का नुकसान होगा। ये कहा गया है और चाणक्य ने कहा है कि जहां का राजा व्यापारी हो वहां की प्रजा भिखारी होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं आपसे ये चाहूंगी कि जब आप अपना जवाब दें तो उसमें जरूर ये जरूर ठीक है जी, 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 सरकार ने ये फैसला लिया है कि गरीब परिवार को 1,00,000 रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा जी जरूर। आपने अब तक आकलन किया है कि इस वक्त इस वर्ष में आप कितने लोगों को इसका लाभ देंगे, आपने कोई निर्धारित सर्वे निर्धारित अपनी तादाद निर्धारित की है या नहीं की है। इसलिए मैं एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि अभी जो एक मामला आया था एम्स का मामला था और मैंने भी जीरो आवर में इसको उठाया था, एक पल्लवी गरोवर नर्सिंग स्टूडेंट थी, उसने आत्महत्या कर ली और उसने आत्महत्या करने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा कि मैं आत्महत्या जो कर रही हूँ वो किसी केस पे नहीं कर रही हूँ, मैं खुद अपने मर्जी से कर रही हूँ। लेकिन उसकी माँ ने कि कुछ लोगों के कहने पर शशीर मावर पर जो हॉस्टल वार्डन है उस पर केस दर्ज कर दिया, जिसकी सुनवाई अनुसूचित जाति आयोग में की, पीएल पुनिया साहब उसके अध्यक्ष, उन्होंने ये यानी सिफारिश की कि एम्स को के पुनः उसे इसके पद पर बहाल किया जाए, लेकिन बहाल नहीं किया गया। ठीक है धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। पाँच मिनट बस, दो मिनट और नहीं, एक पॉइंट और मैं ठीक है मैं ये कुछ सुझाव देना चाहती हूँ। वो सुझाव ये है कि अस्पतालों में जो इमरजेंसी सेवाएं हैं जी, उसमें जो डॉक्टर्स बैठते हैं वो जूनियर होते हैं या इंटर्नशिप की जो एक जो करते हैं वो उसमें रहते हैं, इसमें सीनियर डॉक्टर की भी बैठने की ड्यूटी लगाई जाए। एम्स जैसे अस्पताल जो राज्य में खोले गए हैं अगर उसकी व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा तो एम्स में इतनी भीड़ नहीं होगी और वहाँ उसका इलाज हो पाएगा।
एमसीआई को सरकारी कॉलेज और अस्पतालों में सीट बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि हमारे यहाँ डॉक्टरों की जो कमी है वो पूरी की जा सके। चौथा हमारा ये सुझाव है कि हमारे यहाँ जो डॉक्टरों की पढ़ाई करते हैं और वो जब डॉक्टर बन जाते हैं तो वो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए विदेश जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सेवा नहीं करते। उनको ये कहा जाए कि हमारे हिंदुस्तान में रह करके ही वो सेवा दें। रोजगार की बात आप करते हैं, नर्सों की तादाद बढ़ाने के लिए नर्सिंग कॉलेज की बात माननीय एलओपी साहब ने की थी कि उनके ज़माने में नर्सिंग कॉलेज खोले गए। बहुत सारी नर्सें बेरोजगार हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम में भी उनको रखने की जाए। जो योजनाएं सरकार चला रही हैं ये ज़मीन तक योजनाएं जाए, गरीबों को इसका लाभ मिले, इसके लिए पंचायत राज व्यवस्था एवं नगर निकाय के प्रतिनिधियों को बेदार करने की ज़रूरत है। सबसे आखिर और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप माननीय मंत्री महोदय और आपकी सरकार करती है, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की जो कल्पना करती है, स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत जब तभी बन पाएगा जिस तरह से माननीय नेता हमारे नीतीश कुमार जी ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी है, इसी तरह से आप पूरे हिंदुस्तान में अगर पूर्ण शराबबंदी लागू की जाए तभी आपके स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत का सपना साकार होगा। माननीय बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया श्री वीर सिंह।